नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार पर दिए बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। आखिर क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आए, इस खास रिपोर्ट में देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला बयान अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। इस बयान ने अब बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। तो हुआ यूं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया और बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। बिहार में भी नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ राजनीतिक तौर पर सम्राट चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पलटीबाज तक कह दिया और सम्राट ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंधे पर चढ़कर नीतीश कुमार 5वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा देने का कार्य किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब बिहार की जनता नीतीश कुमार को खारिज कर चुकी है, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया, बावजूद इसके उन्होंने फिर से पलटी मार ली है। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है। नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उनको जो करना है वो कर दें। सम्राट के बयान पर नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात? तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता किसे मिट्टी में मिलाती है और किसे माथे पर बैठाती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।